Hi everyone, in this video I'm going to tell you about one of the element of marketing mix, that is place mix or physical distribution of goods and services that a producer produce. So let's start. Place mix refers to important decisions related to physical distribution of goods and services. देखिए आपने जो product बनाया उससे जितने भी related decisions थे वो आपने product mix में लिया, फिर आपने उसकी pricing की तो pricing से related जो भी decisions थे वो हमने price mix में लिया. अब हमें उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सो हम इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो हम प्लेस मिक्स में लेंगे. सो ऑल दोज इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो हम प्लेस मिक्स में लेते हैं. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स हु हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि वो सारे फर्म्स या फिर इंडिविजुअल्स जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कस्टमर्स तक पहुंचाने में, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं. अब हम बात करेंगे चैनल लेवल्स की. चैनल लेवल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल में आपका मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान कस्टमर्स के पास पहुँचता है, यानी कि आपको कोई भी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एमवे, बाटा जैसी कंपनियाँ ये चैनल यूज़ करती हैं. और इनडायरेक्ट चैनल में आपका है वन लेवल चैनल, टू लेवल एंड थ्री लेवल. वन लेवल में एक बंदा ऐड हो जाएगा मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, यानी कि पहले आपका प्रोडक्ट आपने जो मैन्युफैक्चर किया वो जाएगा रिटेलर के पास और फिर रिटेलर से कस्टमर के पास. एंड देन टू लेवल में आपका प्रोडक्ट पहले जाएगा मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कस्टमर. एंड थ्री लेवल में आपका थ्री बंदे ऐड हो जाएंगे, यानी कि एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर. सो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से पहले एजेंट के पास जाएगा, फिर होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कस्टमर. तो यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है बेसिकली, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो अब आपको ये चूज़ करना है तो इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स आपको माइंड में रखने होंगे. सो दीज आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल. प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में वो आते हैं जैसे कि आपका प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल नेचर का है तो आपको उसे स्मॉल यानी कि ज़ीरो लेवल अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वन, टू या थ्री लेवल अडॉप्ट करोगे तो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो वो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है. और अगर नॉन पेरिशेबल नेचर का है तो आप टू लेवल या थ्री लेवल कुछ भी यूज़ कर सकते हो. तो आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है ये फैक्टर आपको दिमाग में रखना होगा. एंड देन कंपनी रिलेटेड फैक्टर. कंपनी रिलेटेड फैक्टर में अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली वीक है तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप ज़ीरो लेवल यूज़ करो. और अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप टू लेवल, थ्री लेवल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको होलसेलर को, एजेंट को पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. इसमें आपका कॉम्पिटिटर किस टाइप का चैनल लेवल यूज़ कर रहा है वो फैक्टर आप माइंड में रखते हो. यानी कि अगर आपका कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में थ्री लेवल का यूज़ कर रहा है तो आप उसको उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख के आप कोई भी चैनल चूज़ कर सकते हो. एंड देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में आपका मार्केट कौन से लेवल को वेलकम करेगा, टू लेवल, थ्री लेवल. अगर कस्टमर्स ये बोलता है कि मुझे जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ें 60 रुपए की बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो 60 से 100 रुपए हो जाती हैं, तो आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं. तो ये 40 रुपए जो बढ़ते हैं ये एजेंट, होलसेलर और रिटेलर में बढ़ जाता है. तो ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर हुआ कि कस्टमर क्या चाहता है. वो डायरेक्टली 60 रुपए के प्रोडक्ट को अगर आप 60 में ही खरीदो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. तो आप मार्केट को रिसर्च करके कि कस्टमर्स की क्या नीड है उस हिसाब से आप लेवल यूज़ कर सकते हो, चैनल लेवल. एंड देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. आपकी इकोनॉमी क्या कहती है. अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेस्ड स्टेट में है यानी कि मंदी चल रही है यानी कि रिसेशन, तो आप ज़ीरो लेवल यूज़ करो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, ताकि आपका प्रोडक्ट इकोनॉमिकल वे में ट्रांसफ़र हो पाए. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने पहले अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मिक्स के सारे डिसीजंस लिए यानी कि उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर हमने उसकी प्राइस रखी, प्राइस मिक्स के सारे डिसीजंस लिए. एंड देन अब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं. हमने चैनल लेवल का चॉइस किया,
कि हम कौन से लेवल से अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कराएंगे टू द कस्टमर्स। अब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन पे आते हैं। सबसे पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है आपके क्रेडिट स्केड्यूल, आपकी इन्वेंट्री पॉलिसीज़, आपकी कस्टमर्स की क्रेडिट पॉलिसीज़, आपने जो भी रॉ मटेरियल्स सप्लायर से मांगे होंगे उनकी पॉलिसीज़, सो वो सारे स्केड्यूल आप ऑर्डर प्रोसेसिंग में लाते हो। यानी कि आपका जो ऑर्डर था, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट था, वो प्रोसेस हो रहा है या नहीं। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। आपका प्रोडक्ट बन गया, अब हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लेते हैं। एंड देन हम आते हैं वेयर हाउसिंग पे। अब आपका गुड ट्रांसपोर्ट हो गया, अब वेयर हाउसिंग हम इसलिए इस डिसीजन में लाते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मांग थ्रू आउट द ईयर होती है, बट वो बनते कुछ कुछ सीज़न में ही है। जैसे कि बहुत सारे क्रॉप्स हो गए, वो कुछ सीजनल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ सीजन्स में ही बन पाते हैं, बट उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है, तो हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। और सेम होता है प्रोडक्ट्स जो कि बनते तो थ्रू आउट द ईयर है, बट उनकी डिमांड कुछ कुछ सीजन्स में होती है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स हो गए, एसीज हो गए, वो देखिए हम वो सालों साल बना सकते हैं, बट उनकी डिमांड जो है वो सीजनल होती है, तो हमें प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन इन्वेंट्री, अब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका इन्वेंट्री, यानी कि अगर कोई भी क्राइसिस आ जाए या फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस हो जाएं, तो आप अपने स्टॉक से उस प्रोडक्ट को निकाल के दे सको, तो आपको प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चार डिसीजन हो गए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड इसे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।